बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए महारानी गोभी कढ़ाई की रेसिपी लेके आया हूं। इतनी चटपटी और मज़ेदार कि इंशाल्लाह आपके मुँह में पानी आ जाएगा। ऐसे तरीके आज आपको बताऊँगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक खूबसूरत सा गोभी का फूल लिया है और इसकी कलियों को इससे हम जुदा कर देंगे। और ये लें जी, कलियों को जुदा कर दिया गया है। अब हम इसको धो लेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ पे दो तीन तरह के काम करेंगे हम इसको चटपटा और मज़ेदार करने के लिए, तो सबके ऊपर सेपरेटली डिस्कशन होगी। तो यहाँ पे हमने इसको पहले धो लेना है बहुत अच्छे से, और जब ये अच्छे से धुल जाएगी एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, एक छोटी प्याली इसमें कुकिंग ऑयल की जाएगी, ये तकरीबन पौना कप बन जाता है। फ्लेम को हाई रखेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के दो फायदे हैं, एक तो ये कि ये हाफ डन हो जाएगी, पक जाएगी। दूसरा, जब हम इसको आगे जाके पकाएंगे टूटेगी नहीं। तीसरा भी फायदा है कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे। उससे क्या होगा कि ये लें जी, देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया इसके ऊपर, बहुत शानदार फ्लेवर अरोमा भी इसके अंदर आ गया होगा। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक बहुत ही चटपटा सा काम करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं और जो बाकी ऑयल होगा वो गरम गरम ही है। तो इसके अंदर यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने अनियंस लिए हैं, इनको बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ऑयल गरम था। तो 5 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत ही शानदार गोल्डन कलर के हो जाएंगे। ये लीजिए, गोल्डन कलर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। जब भी अदरक लहसुन को ऐड करते हैं 4 से 5 मिनट इसको हम ज़रूर देते हैं क्योंकि इसका पकना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसकी एक अलग सी स्मेल सी रह जाती है पूरे खाने में, जो बाद में ठीक नहीं बनती। ठीक है, टमाटर से पहले इसको 5 मिनट देना है। अब कढ़ाई के अंदर टमाटर कटे हुए यूज़ होते हैं चॉप, लेकिन यहाँ मैं पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ जो ग्रेवी जो मसाला है ना वो बहुत ही चटपटा चाहिए। ऐसे टमाटर भी मैंने 2 ऐड किए हैं, ठीक है, 2 टमाटर का ये पेस्ट है। और इसको मैं ऐसा कुछ करूँगा कि आप देखिएगा ये कैसा बन जाता है। चलें जी, सिर्फ 2 मसाले अभी इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून नमक जाएगा। हल्दी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हल्दी थोड़ी सी मडी फ्लेवर की होती है तो उससे थोड़ा चटपटा जो इसका फ्लेवर है वो कम हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कढ़ाई के अंदर हल्दी नहीं जाती। अब यहाँ पे हम इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब ये खोए जैसा नहीं हो जाता। और खोए जैसा कब होगा, जब ये बहुत ज़्यादा पक जाएगा। ठीक है जी, अगली चीज़ जो इसमें जाएगी, 2 बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए, क्योंकि गोभी की कटिंग थोड़ी सी बड़ी है तो हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर एक कच्ची सी स्मेल होती है जिसको हमने दूर करना है, इसलिए हमने ये बड़ी इलायची ऐड की। चलें जी, यहाँ पे दही इसमें ऐड करेंगे जब टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे तेज़ फ्लेम के ऊपर, और ये दही जो है इसको भी हम कम्प्लीटली ड्राई करेंगे। देखें, जो हमने टमाटर ऐड किए ना उसका भी खट्टापन इसके अंदर है, ठीक है, और ये जो हम दही ऐड कर रहे हैं इसका भी थोड़ा सा खट्टापन इसके अंदर आएगा जब ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तेज़ फ्लेम पे पकाने के बाद यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखें आप दानेदार हो चुका है, ठीक है, 4 हरी मिर्चें तेज़ वाली जो होती हैं, और यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल दानेदार हो चुका है। अब ये इतना चटपटा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, ये जो रेगुलर हम मसाला भूनते हैं ये वो चीज़ नहीं है, ये बहुत ही चटपटा है। और इसको आप ऐसे ही अगर खा लेना तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितना मज़ेदार। आप देखें इसकी लुक बिल्कुल खोए की तरह है। अब हमने जो गोभी फ्राई की थी इसके अंदर ऐड कर देंगे, कुछ मसाले भी जाएंगे वो आगे जाके ऐड करेंगे, फिलहाल हम इसको इसमें मिक्स करते हैं, इसकी भुनाई करते हैं, इसका फ्लेवर खट्टा मीठा सा, मीठा नहीं खट्टा खट्टा, वो इस गोभी के अंदर चला जाएगा। और चूंकि हमने इसको फ्राई किया था, गोभी ऑलरेडी डन है, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं पकाएंगे, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे वरना गोभी मिक्स हो जाएगी, खूबसूरती भी ख़राब हो जाएगी और टेस्ट भी मध्यम हो जाएगा। अब इसमें तकरीबन यहाँ पे मैं खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगा 1 टीस्पून। ये लें जी, हाथ से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए क्योंकि ग्रेवी तो अंदर इतनी है नहीं। और दूसरी चीज़ इसमें जाएगी ज़ीरा, ज़ीरा भी तकरीबन 1/2 टीस्पून जाएगा, ज़ीरे का पाउडर है। अब इसमें गरम मसाला मैं ऐड करूंगा, ठीक है, ये लें जी, जस्ट 1/2 टीस्पून। तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे ताकि ये मसाले अच्छे से इसके साथ जुड़ जाएं। चम्मच के साथ मैं ऐड करता तो वो मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था। अब हम धनिया ऐड कर देंगे हल्का सा, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, इससे खूबसूरती और खुशबू दोनों आ जाएंगे। तो अब हम इसको निकालते हैं प्लेट के अंदर, यहाँ पर तैयार है हमारी महारानी
गोभी कढ़ाई। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें सी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़तें जो दूसरे हमारे हाथों में हमारे खानों में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट। इजाज़त सारी को दीजिए, इजाज़त तकलीफ तक, अल्लाह हाफिज़।